व्यूअर्स आज हम आपके लिए किया कार्निवल की फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं आज हम इस वक्त किया फिरोजपुर मोटर्स पे मौजूद हैं और ये जो आप सामने गाड़ी देख सकते हैं ये अभी एक हफ्ता पहले ही लॉन्च हुई थी और इससे पहले ये 2018 मिड में किया ने ग्रैंड कार्निवल के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च की थी ये उसकी अगली जनरेशन है और इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है अगर आप सामने से देखें तो इसके अंदर एल ई डी हेड लैम्प्स हैं जो कि प्रोजेक्ट हेड लैम्प्स हैं ये जो है ये लो बीम के लिए है और इधर जो है ये हाई बीम के प्रोजेक्ट हेड लैम्प्स हैं इसके अलावा ये जो है ये पूरा डी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि ट्रांसफॉर्म होकर इंडिकेटर्स भी बन जाते हैं इसके नीचे जो है ये एल ई फॉग लैम्प हैं और इसके अराउंड आपको क्रोम की फिनिश ये ऑल अराउंड द कार इधर मिल रही है इसके नीचे ये आपको बम्पर स्प्लिटर लिप भी मिल रहा है और सबसे प्रोमिनेंट जो है ये सामने आपको ग्रिल मिलेगी जो कि मैट क्रोम फिनिश में है इसके अलावा आपको सामने चार पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आप साइड प्रोफाइल देखें गाड़ी की तो ये 40 सेंटीमीटर अपनी पिछली जनरेशन से लंबी हो चुकी है इसका जो व्हील साइज है वो 18 इंचेस का है और आपको ये टू टोन फिनिश में मिलता है एलुमिनियम ब्रश्ड फिनिश एंड पियानो ब्लैक इसके अलावा आपको नीचे ये क्रोम के एक्सेंट्स मिल जाएंगे तो इसके विंग मिरर्स देखें तो इसमें इंडिकेटर्स भी हैं और इसके अलावा इनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है ऊपर आपको इसमें रूफ रेल्स मिल जाती हैं और आपको यहाँ से दो इसमें सन रूफ नज़र आ रही होंगी जो कि पिछली जनरेशन में भी थी इसके अलावा आपको यहाँ एक ये क्रोम की एक बहुत सारा बड़ा पार्ट नज़र आएगा जिसके अंदर जो है एम्बोस्ड ये पैटर्न बना हुआ है ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये डोर्स को स्लाइड करने के लिए सो so, अब इसकी बैक को अगर हम देखें तो इसकी जो रियर लाइट्स हैं उनको काफ़ी स्लीक कर दिया गया है पहले ये दो यूनिट्स में होती थी अब ये एक ही यूनिट लगता है लेकिन यहाँ ग्लो जो ये करती हैं एलईडी लाइट्स ये इंडिविजुअली करती हैं इसके अलावा इसमें हाई माउंट ब्रेक लैम्प है और शार्क फैन एंड भी ऊपर दिया गया है सो so, नीचे इसके आपको रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट मिल जाती है इसके साथ ये दरमियान में आपको फॉग लैम्प नज़र आ रहा होगा और पीछे पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसके अलावा आपको ये पीछे V6 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ आपको कार्निवल जहाँ पहले ग्रैंड कार्निवल लिखा होता था सो so, इसका बूट को जो ओपनर है वो नीचे यहाँ लगा हुआ है और इसको हम यहाँ करके ओपन करेंगे सो so, यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी कि ऑटो टेलगेट ओपनर एक बटन है और इसके अलावा ऑटो ऑफ का भी बटन है इसका मैं बताते चलूँ कि अगर आप गाड़ी की की आपके पास है और गाड़ी लॉक्ड है अगर आप इसको अप्रोच करते हैं ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और अगर आप पीछे जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो ये एडिशनल एक ऑप्शन आ गई है इसके अलावा बूट स्पेस की बात करें तो अभी इसकी जो फोर्थ रो है वो ओपन है और ये जो सीट है ये फॉर किड्स है इधर तीन बच्चे बैठ सकते हैं तो इन टोटल ये इलेवन सीटर कार है जैसे कि पहले थर्ड जनरेशन ग्रैंड कार्निवल आती थी अगर आप इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर 3.5 पॉइंट इंजन है जो कि दो सौ बहत्तर हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और तीन सौ तीस न्यूट्रन मीटर टॉक प्रोड्यूस करता है पहले वाले इंजन की बात करें तो वो वो थ्री पॉइंट थ्री लीटर इंजन आता था और वो एम पी आई इंजन था अब इसमें लेटेस्ट लैमडा टू इंजन आता है जो कि स्मार्ट स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ है तो so, ये गाड़ी की की है और इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का बटन और इसके अलावा जो है पिछले स्लाइडिंग डोर्स के ओपनिंग के बटन भी मिल जाते हैं इसके जो है डोर में बटन है इसके अलावा आपको आगे भी ड्राइवर साइड पे भी आपको बटन मिल जाते हैं तो इसके ये बटन को प्रेस करके हम इसके रियर डोर को स्लाइड करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिकली स्लाइड हो जाता है डोर और अगर हम इस गाड़ी में एंटर करें तो एंट्री यंग लोगों के लिए तो अच्छी है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लेरेंस जो है वो एक नॉर्मल कार से ऊंची है और हेड रूम की बात करें तो हेडरूम भी अच्छा है और लेग रूम भी सही है लेकिन आई कैन नॉट से दिस अबाउट द अदर रोज पिछली रो में तो फिर भी थोड़ा डिसेंट है बट जो लास्ट रो है उसमें जो है वो आई थिंक छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं यहाँ बटन है अंदर पैसेंजर के लिए तो ये स्लाइडिंग डोर जो है है वो क्लोज हो जाता है। अगर आप ये ये लाइट आपको नजर आ रही होगी तो ये हाइड्रोग्राफिक जो है एम्बियट लाइट है ये जो, जो हर डोर में दी गई है यहाँ देखें तो ये विंडो का कंट्रोल है और साथ ही हीटेड सीट्स का कंट्रोल है जो ड्राइवर के पीछे वाली रो है उसकी दोनों सीट्स जो हैं मेन सीट्स हैं वो हीटेड है इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है ब्लाइंड्स की इसमें आपको पीछे आगे दोनों जगह ये ब्लाइंड्स मिल जाती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए इसके अलावा यहाँ आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का जो है ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मास्टर कंट्रोल मिल जाता है यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ऑटो कर सकते हैं या वेंट्स की जो है वो डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं पीछे आपको चार वेंट्स मिल जाएंगे नाइन पैसेंजर्स के लिए जिस पे आप इजीली जो है वो एयर कंडीशनर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा यहाँ आपको ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप लैपटॉप या कोई इंपॉर्टेंट जो है अप्लाइंस उसको प्लग इन कर सकते हैं इसके अलावा जगह जगह आपको सीट्स में यहाँ यू पोर्ट्स मिल जाती हैं और पीछे भी इसी तरह यू पोर्ट्स और कप होल्डर्स मिल जाते हैं ये इंटीरियर का कलर जो है ये मार्शन ब्राउन है और जो इसका लो वेरिएंट आता है उसमें ये वाला कलर नहीं मिलता उसमें आपको सैडल ब्राउन मिलता है अगर आप यहाँ देखें यहाँ ये सीट के जो है एडजस्टमेंट के बटन हैं इसको कहते हैं बॉस सीट एडजस्टमेंट अगर नॉर्मली अगर शॉफर ड्रिवन कार हो तो इधर जो होते हैं बॉस बैठते हैं और आप यहाँ से आगे पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अगर इधर कोई नहीं बैठा हुआ तो आप फुली इसको आगे लेके जा सकते हैं और आपका रूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा गाड़ी में स्मार्ट एंट्री का फंक्शन मौजूद है इस बटन को एक दफ़ा पुश करेंगे और इसके अलावा आप इसको यहाँ से खोल लेंगे सामने अगर देखें तो विंडोज़ के कन्वेंशनल बटन मिल जाते हैं इसके अलावा जो है साइड में इसको रिट्रैक्ट करने का बटन मिल जाता है एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है इसके अलावा आपको मेमोरी सीट्स जो हैं वो मिल जाती हैं तो आप दो ड्राइवर हैं अगर तो उनकी जो है पोजीशन आप सेट कर सकते हैं इस बटन को दबा के इसके अलावा आपको रियर डोर जो स्लाइडिंग हैं उनके कंट्रोल्स मिल जाएंगे बूट का कंट्रोल मिल जाएगा और पावर डोर जो मैंने आपको फंक्शन बताया था उसका कंट्रोल मिल जाएगा इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिल जाता है अगर हम नीचे देखें तो ये एट वे एडजस्टेबल सीट है तो आपको इसको इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह जो पैसेंजर सीट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ड्राइवर सीट में फ़ोर वे लंबा सपोर्ट है जो जी इसका बेसिक वेरिएंट है उसमें टू वे लंबा सपोर्ट है और फ्रंट की सीट्स में आप ये देखें मार्शन ब्राउन लेदर की फिनिश है जो कि काफ़ी अच्छी इसका जो क्वालिटी लग रही है स्टेयरिंग व्हील अगर देखें गाड़ी का तो इसके अंदर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे लेफ्ट साइड पे जहाँ से आप कॉल उठा सकते हैं और मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा वॉइस कंट्रोल भी है और राइट right साइड पे आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिल जाएगा उसके अलावा मेन्यू को जो है एम के एक्सेस कर सकते हैं सो so, इसके अंदर आपको गियर नॉब के साथ साथ आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे इसके अलावा आपको इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स मिल जाएंगी सो so, अगर आप अंडर पास में जा रहे हैं या अचानक कोई अंधेरा आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है हेडलाइट्स जल जाएंगी लेफ्ट साइड पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिसमें फ्रंट और रेयर दोनों वाइपर के कंट्रोल हैं गाड़ी को पुश स्टार्ट करेंगे सो विद वन पुश ऑफ अ स्टार्ट हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे के एमए डिस्प्ले में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है और इसके अलावा एवरेज फ्यूल एवरेज आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर आ जाता है और इसका जो है रिफ्यूलिंग आपने कब करवाई है ये भी बता देते हैं इसके अलावा काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं उनको आप इजीली जो है एक्सेस करके सेट कर सकते हैं ये नीचे स्मार्ट जो लिखा हुआ है ये ड्राइव मोड है और ये आप यहाँ आपको ये बटन मिलता है ड्राइव मोड का इसमें चार ड्राइविंग मोड आते हैं नॉर्मल इको स्पोर्ट एंड स्मार्ट इसके अलावा इसके अंदर आपको एट इंच का जो है इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की सहूलत मौजूद है नीचे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा जिसमें ड्राइवर जो है अपना टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकता है इसके अलावा ऑटो की ऑप्शन भी मौजूद है और पैसेंजर जो है वो अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है तो so, यहाँ आप देखें तो आपको यहाँ एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी ड्राइवर के लिए ऑपोजिट साइड पे पैसेंजर के लिए दरमियान में यू है जहाँ आप अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल आर प्ले को एक्सेस कर सकते हैं ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग का है मैं अगर अपने फ़ोन को रखूँगा तो ये जो फ़ोन है ये वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये आपको इंटरमेशन की लाइट मिल जाएगी इसके अलावा यहाँ इसमें जो है पहले कन्वेंशनल एक गेयर नॉब आता था अब इसके अंदर जो है ये डायल आ चुका है जिसमें आपको एट स्पीड ऑटोमेटिक ये गेयर शिफ्ट मिलता है जिससे इसकी फ्यूल एवरेज आई थिंक और इम्प्रूव हो जाएगी और आपको जो है लो आर पी एम पर हाई स्पीड पर आप क्रूज़ कर पाएंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ गई है इससे पहली जनरेशन में आपको फुट ब्रेक मिलती थी इधर नीचे आप देखें तो ये हीटेड सीट की ऑप्शन मिल जाती है यहाँ से आप हीट को एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप नीचे को करेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स बन जाती हैं इसी तरह आप पैसेंजर सीट को भी इसकी हीट और वेंटिलेशन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इधर आपको जो है हीटेड स्टेयरिंग व्हील का भी बटन मिल जाएगा जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो आपका स्टेयरिंग व्हील जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा सर्दियों में भी ये यूजफुल फीचर है और ये इंटरनेशनल कार्स में बड़ी कार्स में आता है पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ के बटन के साथ आपको ये रियर कैमरा का बटन मिलता है तो पार्किंग कैमरा आपने ऑन करना हो तो आप एक पुश के साथ इसका पार्किंग कैमरा ऑन कर सकते हैं विदाउट इंगेजिंग द रिवर्स गेयर और इसमें आपको ये प्रोडक्शन लाइंस भी मिल जाती हैं जिसमें गाड़ी को की ट्रोजेक्ट्री आपको पता चल जाती है कि किधर रिवर्स होगी Since it's a long car, तो आपको ये काफी जरूरी है है। और I think इसके अंदर 360 कैमरा होना चाहिए था जितना इसका size है। अगर आप ऊपर देखें तो इसके अंदर आपको रीडिंग लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है यहाँ से आप मास्टर लाइट्स का कंट्रोल है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके अलावा जो है दोनों सन के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर सन का कंट्रोल आपको पीछे भी मिल जाता है इसके अलावा थ्रू आउट द कार आपको जो है ये वुडन चारकोल टेक्सचर में ये एक ट्रिम मिल जाती है डोर के अंदर आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे इसके अलावा आपको ये मिड में जो है ये ड्राइवर और पैसेंजर के लिए कप होल्डर्स मिल जाएंगे पीछे मिल जाएंगे कप होल्डर्स और दूसरे पैसेंजर डोर में भी आपको अच्छा साइज का बॉटल होल्डर मिल जाएगा ये अभी जो है ये वाइट आपको नजर आ रहा है ये टेप लगी हुई है क्योंकि ये अभी गाड़ी नहीं है और अनबॉक्स नहीं हुई और इसके पीछे जो है आपको पियानो ब्लैक एक ग्लॉसी मटेरियल मिलता है जैसे कि ये आपको गियर के इर्द गिर्द मिल रहा है सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर जो है सेवन एयर आते हैं स्टैंडर्ड दोनों वेरियंट्स में जी प्लस में भी और जी में भी जिसमें ड्राइवर पैसेंजर पीछे फर्स्ट रो के कर्टन सेकेंड रो के कर्टन और उसके अलावा नी एयरबैग मिलता है ड्राइवर का और ब्रेक्स की बात करें तो इसके अंदर फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं और एबीएस ब्रेक्स हैं। अगर कैबिन की बात करें तो कैबिन डिजाइन काफी इम्प्रेसिव है और हम लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में बैठे हुए हैं सो तो व्यूअर्स ये था किया कार्निवल फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट लुक रिव्यू आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी हमने इसकी थर्ड जनरेशन का 2018 में रिव्यू किया था अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पॉपअप बैनर पर क्लिक करें और आप इसका डिटेल्ड रिव्यू थर्ड जनरेशन का देख सकते हैं और अगर यूज आप किया ग्रैंड कार्निवल खरीदना चाहते हैं, तो व्हील पे काफी सारी लेस्टिंग है किया ग्रैंड कार्निवल थर्ड जनरेशन की आप यहाँ पॉपअप बैनर पर क्लिक करके किया ग्रैंड कार्निवल खरीद सकते हैं आपको बताते कि जब ये गाड़ी लीज हुई थी तो इसकी प्राइस तकरीबन तो अड़तालीस लाख रुपए थी और इसकी बढ़ के प्राइस जो लास्ट थर्ड जनरेशन जो क्लोज हुई थी उसके टॉप ऑफ तो द लाइन वेरिएंट की प्राइस 77 लाख तक पहुँच गई थी विद ऑल द ऑप्शन ये जो गाड़ी है जी एल एस प्लस फोर्थ जनरेशन किया कार्निवल ये तमाम ऑप्शन के साथ आती है और इसकी प्राइस जो है अगर आप देखना चाहते हैं अपने शहर में अपनी रेलिवेंट सिटी में विद फ्रेट एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो यहाँ पॉपर बैनर पर क्लिक करके आप पार्क व्हील्स का ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर विजिट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलैकन पर टैप करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले अल्लाह हाफिज़ sorry kitties only on parkway